अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे, आपके बर्ड फिट पाट होंगे। आज का टॉपिक ये है कि बदरी में मटकियाँ कैसे साफ की जाएं, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो मटकियाँ बहुत गंदी हो जाती हैं और उसको साफ़ करने का बहुत मुश्किल आसान तरीका मैं आपके आज सामने रखूँगा। ये देख सकते हैं, ये बच्चा बाहर जाग रहा है, अभी इसके अंदर देखते हैं इसमें कितना कचरा है, फिर इंशाल्लाह इसको साफ़ करेंगे। तो देख सकते हैं गाइस, दो बच्चे और इसने वापिस अंदर ले लिए। दो बच्चे हैं और इसने वापिस अंडे दे दिए माँ जी ने। देखना पड़ेगा, ये बाहर निकालता हूँ मैं। हेलो गाइस, मैंने मटकी निकाल दी, इसके अंदर माँ जी बैठी है, इसको भी पकड़ना है। और इसके बच्चे बड़े हो गए, लेकिन सर बच्चे बाहर निकले नहीं, इसने वापिस अंडे दे दिए। ये मैंने चेक नहीं करा, अभी मैंने देखा ये। इसके बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा, वरना ये बच्चे देखें इनके अंडे ख़राब कर देंगे, ये हिलाते रहेंगे, इसके फर्टाइल होने की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो चलें, इसके बच्चे भी मैं किसी और माँ जी के नीचे रखना पड़ेंगे, बच्चे बड़े तो हो गए फिलहाल। मैं इसको निकालता हूँ माँ जी को। आप देख सकते हैं कि मैंने मादी निकाल ली है, अंडे फर्टाइल है या नहीं है तो मैं बाद में चेक करूँगा। और ये बच्चे देख सकते हैं, ये दो बच्चे माशाल्लाह इनकी ग्रोइंग काफ़ी अच्छी जा रही है, माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी बच्चे हैं। एक और मटकी भी है मेरे पास, वो भी चेक करता हूँ मैं। ये तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि ये वापस माँ जी के नीचे अंडे रखने पड़ेंगे, वरना तो अंडे ख़राब हो जाएंगे। इन बच्चों को मैं दूसरी मटकी के नीचे डालूंगा और ये मटकी में वापस उसी माँ जी के वहाँ रख दूँगा। हेलो व्यूअर्स, मैंने दूसरी मटकी निकाल ली। इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसके अंदर तीन बच्चे हैं और एक बच्चा इसका रेड आइज का भी है, माशाल्लाह से। बजरी का पेयर है, देख सकते हैं आप ये पेयर, इसने माशाल्लाह रेड आइज का बच्चा निकाला है। चलिए ये रखते हैं इसके अंदर। और एक बच्चा, ये है एक बच्चा, और एक बच्चा, ये है, ये हो गए हैं आप छः बच्चे, पांच बच्चे। बाकी इसकी मटकी देख सकते हैं आप, बंदी कितनी हो रही है। अगर आपके पास एक पेयर है तो आपके पास दो मटकियाँ तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपके तोतों ने बच्चे दिए और वो थोड़े बड़े हो गए, हफ्ते के हो गए, दस दिन के हो गए, वो जब ब्रीड करते हैं तो बहुत कचरा हो जाता है। तो आपको वो, अगर आप वो उसी के अंदर रहने दे देंगे तो बच्चे बिल्कुल उनके पैर बिल्कुल गंदे हो जाएंगे, उनके पैरों पे ब्रीड जो बच जाएगी। जैसे कि मैं आपको अभी, मैंने तोतों के पैरों में तो नहीं है फिलहाल, जैसे हल्का हल्के जैसे ये है, उनके पूरे पैर ख़राब हो जाते हैं, सिर्फ पैर टेढ़े होने का खतरा होता है। कि आपके पास दूसरी मटकी भी होनी चाहिए, जैसे कि मेरे पास एक और मटकी पड़ी हुई है, इसके अंदर बच्चे डाल के वाबित में रख दूँगा। और ये मटकी अब तक मैं साफ़ कर दूँगा, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से साफ़ होती है। इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के भिगोना पड़ता है, फिर ये सारा इसकी बीटे उतरेंगी। तो ये एक दिन का प्रोसेस है पूरा, कि अभी पानी डाल के रखूँगा, फिर कल तक ये थोड़ी नरम होगी, फिर इसको स्क्रैबर वगैरह से किसी चीज़ से उतार के ये मटकी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। सही है गाइस, ये बच्चे हैं, अब इनको मैं अब इनके पेरेंट्स के पास छोड़ता हूँ। हेलो गाइस, मैंने ये छः के छः बच्चे इसके अंदर डाल लिए हैं। अब मैं ये बच्चे उसके अंदर डाल देगा दूसरे पेयर में, जिसके तीन बच्चे थे, वो दो, ये दो बच्चे भी इंशाल्लाह वो पाल लेगा अच्छी तरीके से। अगर मैं ये दो बच्चे उसी पेयर के नीचे रखता तो माँ दी अंडे भी ख़राब कर देती, पर शायद बच्चों को भी मार देती या कुछ कर देती बच्चों के साथ। तो जब इशू करे, मैंने भी सही टाइम पे देख लिया, मुझे पता नहीं था कि इसने अंडे दिए हुए हैं।
काफ़ी टाइम से बच्चे पाल रही है, बच्चे सही बड़े तो हो गए लेकिन मटकी से बाहर नहीं आए। तो जब भी गाइस ऐसे आप अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आपको भी ऐसे ही करना है। ये बच्चे मैं दूसरी प्रेयर के नीचे रखता हूँ, चले मैं ऊपर ढालता हूँ। तो गाइस मैंने वो बच्चे की मटकी बच्चे समेत ढाल दिए और इसका जो नर है वो इनको फीड करवाने चले गया अंदर। आप देख सकते हैं नर नहीं है, वो अंदर फीड करवाने गया है। चले मैं अंदर ले के चलता हूँ, देखते हैं क्या कर रहा है। गाइस साइड्रिक हीरा असल में केज का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। असल में कैमरा सही जा नहीं रहा अंदर, केज का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो। जब ये देखे अंदर अंदर से आए ये नर। तो गाइस अब मैं मटकी साफ करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। ये मटकी रखी हुई है ना, आप देख सकते हैं कितनी बीटे वगैरह चुपकी हुई हैं। तो इसके लिए एक आपके पास डंडी होनी चाहिए, छोटी सी डंडी हो, उससे आप ये खुरचे इंशाल्लाह साफ हो जाएगी। मैं भी डंडी लेकर आता हूँ। तो गाइस थोड़े बहुत मैंने पौधे भी रखे हुए हैं, मुझे थोड़ा बहुत पौधों का भी शौक़ है। आप देख सकते हैं ये मैंने थोड़े बहुत पौधे रखे हुए हैं गमलों में। तो चलिए मटकी साफ करते हैं। ये मैं एक लकड़ी लेकर आया हूँ, देखिए इसकी ये जो हिस्सा है ये थोड़ा है नोकीला, ताकि ये अंदर से ये फोकस नहीं हो रहा, दिख रहा होगा वैसे आपको, ये थोड़ा है नोकीला। अभी इसको इससे खुरचते हैं, मैं अभी कैमरा फिट करता हूँ फिर आपको आसानी से दिखेगा। तो गाइस ये आपको दिख रहा होगा, इसको खुरचे में कीड़े भी हो जाते हैं अगर आप साफ नहीं करेंगे तो, इसके अंदर कीड़े भी हो जाएंगे। अब इसके अंदर भी थोड़े बहुत कीड़े हैं, आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखे तो मात्रा पहले से ही, क्योंकि कैमरा पकड़ने के लिए कुछ जगह कुछ नहीं था। नोकीली डंडी होना ज़रूरी है, नोकीली नहीं होगी तो ये बीटे नहीं। तो मैं ऐसे करता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा। तो गाइस देख सकते हैं कि मैंने इसको बहुत खुरचा के बाद इसका कचरा निकल गया, ये देख सकते हैं कितना कचरा निकला है इसके अंदर से। और ये मटके थी गाइस, मेरे पास टाइम नहीं है मरना, तो मैं इसको अभी पानी में भिगोता, तकरीबन 3-4 घंटे पानी में इसको भिगोते हैं। उसके बाद ये देखिए अभी कीड़े भी चल रहे हैं इसके अंदर, ये भी मैं निकालता हूँ। इसको मैं पानी के अंदर भिगोता फिर ये आसानी से, तब ये जो थोड़ा बहुत गंद दिख रहा है ये भी आसानी से पूरा उतर जाता। ये इस कीड़े को तो छोड़ना नहीं है। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट पे अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ लें, इंशाल्लाह जो हो सकेगा मैं आपको बता दूंगा। आज का टॉपिक थोड़ा मेरा चेंज हो गया क्योंकि वो अंडे उसने दे दिए, पता नहीं बच्चे बाहर उसके निकले नहीं मटके थे लेकिन उसने वापस अंडे दे दिए। तो अगर आपको पौधों का भी शौक है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पौधों का भी पौधों के बारे में भी आपको मैं वीडियो बना के दिखाता रहूँगा, क्योंकि मेरे और भी पौधे लगे हुए हैं, देखें आप। मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ फिर आप कमेंट करें तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो पौधों के ऊपर भी बना सकता हूँ। हेलो गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यह है पौदीना, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कैसा हरा भरा है, क्योंकि कराची का मौसम बहुत अच्छा है, बारिशें हो रही हैं, तभी बारिश के पानी से पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं। मैंने इनको 2 दिन से पानी नहीं डाला लेकिन हम फिर भी देख सकते हैं कैसे हरे भरे हो रहे हैं। ये पौदीना है, बाकी ये थोड़े बहुत लहसुन और वगैरह हैं, ये अंगूर की बेल है, ये भिंडी के पौधे हैं
और ये तो मैरिंडा और ये पुदीना थोड़ा सा। अगर आपको पौधों का भी शौक है तो मुझे बता दिएगा कमेंट्स पर, इंशाल्लाह मैं पौधों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। चले फिर अमान अल्लाह, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।